नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस न्यूज़ चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आम तौर पर शादी के बाद दुल्हन सजी हुई कार में ससुराल आती है, लेकिन एक दूल्हे ने अपनी दुल्हन को घर लाने के लिए जो तरीका अपनाया, उसकी वजह से वह सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहा है। कर्नाटक का दुल्हा अपनी नई नवेली पत्नी को किसी कार या डोली में नहीं बल्कि जेसीबी मशीन में बैठकर घर लाया। इस दुल्हे की शादी के बाद विदाई की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। दुल्हे का नाम चेतन है और वह खुद जेसीबी मशीन चलाने का काम करता है। चेतन ने बताया वह लंबे समय से अपनी शादी को खास बनाने की सोच रहा था। अचानक एक दिन उसके दिमाग में यह तरीका आया जो आज सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। दुल्हे ने शादी के बाद अपने दोस्तों से जेसीबी मशीन तैयार रखने के लिए कहा। उसके दोस्तों ने जेसीबी मशीन को फूलों से सजा दिया। शादी के बाद विदाई हुई और जब दुल्हन को घर ले जाने की बारी आई तो चेतन के दोस्तों ने जेसीबी मशीन लेकर मौके पर पहुंच गए। कर्नाटक के पुतूर में चेतन अपनी पत्नी ममता को घर ले जाने के लिए जेसीबी मशीन पर सवार हो गया। कुछ दूर तक तो उसने खुद जेसीबी मशीन चलाई, लेकिन बाद में अपने दोस्तों से जेसीबी चलाने के लिए कहा। और इस तरह चेतन अपनी शादी को खास बनाने के लिए दुल्हन को जेसीबी मशीन में बैठा कर घर ले आया।